हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग का टॉपिक है वो कोन टाइप लाउड स्पीकर और हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर में डिफरेंस देखने वाले हैं, इन दोनों में कंपेयर करने वाले हैं। तो जो हम लोग का सब्जेक्ट है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें जो आज का लेक्चर है वो कंपेरिजन ऑफ कोन टाइप लाउड स्पीकर एंड हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर है। ठीक है, तो इन दोनों टाइप के लाउड स्पीकर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, इनका डिफरेंस देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा और आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जो कौन टाइप लाउड स्पीकर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हॉर्न टाइप होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप भी बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं अगर एग्जाम में आ गया कंपैरिजन ऑफ डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप एंड इनडायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप लाउड स्पीकर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जो भी कौन टाइप है या हॉर्न टाइप आपने पढ़ा है उसी को लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। कौन टाइप को ही बोलते हैं डायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप, और जो हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर होता है उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट रेडिएटिंग टाइप। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पे है आपका सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे है आपका कौन टाइप है लाउड स्पीकर, कौन टाइप, यहाँ पे हॉर्न टाइप। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इफिशियंसी है। इफिशियंसी क्या होता है कि जो कितना हम लोग इनपुट दे रहे हैं और इसके हिसाब से कितना हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, इसको बोलते हैं इफिशियंसी। अगर नॉर्मल भाषा में कहें कि आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है इफिशियंसी। ठीक है, तो जो कौन टाइप होता है उसमें जो इफिशियंसी होता है वो अबाउट 5% होता है। ठीक है, कम होता है, बहुत ही कम होता है। जो कौन टाइप लाउड स्पीकर होते हैं उसके जो इफिशियंसी होते हैं वो लगभग 5% होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें हॉर्न टाइप जो लाउड स्पीकर है उसकी जो एफिशिएंसी होगा वो मोर देन 40%। ठीक है, बहुत ज्यादा होगा 40% से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, जो हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर है उसकी एफिशिएंसी। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ठीक है, तो जो कौन टाइप होता है उसका जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है वो 30 dB होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यही हॉर्न जो टाइप है उसका जो SNR है सिग्नल टू नॉइज रेशियो है वो कितना होगा, 40 dB होगा, 40 dB होगा। ठीक है, तो इसका जो SNR होगा वो ज्यादा होगा इसकी अपेक्षा। अगला जो पॉइंट है वो डायफ्राम है। डायफ्राम में क्या होता है कि अगर हम लोग कौन टाइप की बात करें तो लाइट डायफ्राम ऑफ एल्यूमिनियम विच इज एक्सटेंडेड इन फॉर्म ऑफ पेपर कोन। तो जो भी लाइट बहुत ही हल्का हम लोग यूज करते हैं, डायफ्राम एक पतली परत होता है डायफ्राम। ठीक है, जहां पे जो भी साउंड होता है, जो भी हम लोग कुछ बोलते हैं माइक पे उसी पे पड़ता है डायफ्राम पे। ठीक है, तो बहुत ही हल्का होता है डायफ्राम जो कि एल्युमिनियम का बना होता है। लेकिन कोन टाइप में इसको हटा के किससे हम लोग यूज करते हैं, पेपर कोन का यूज करते हैं। ठीक है, जो डायफ्राम है उसमें जो हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते थे उसको हटा के हम लोग पेपर कोन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोन टाइप में। लेकिन यही हम लोग बात करें हॉर्न टाइप में तो लाइट डायफ्राम ऑफ एल्युमिनियम, तो इसमें जो हल्का हम लोग यूज कर रहे हैं डायफ्राम का, एक पतली जो परत हम लोग यूज कर रहे हैं डायफ्राम का, वो एल्युमिनियम का ही होता है। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के कोन पेपर का, जो पेपर कोन है उसकी जरूरत नहीं होती है, इसमें पेपर कोन का यूज नहीं करते हैं हॉर्न टाइप में। ठीक है, अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। तो जो कौन टाइप होता है लाउड स्पीकर उसका जो डिस्टॉर्शन होता है वो 5 से 10% होता है, 5 से 10% होता है। ठीक है, इसके बीच में भी हो सकता है। तो जो डिस्टॉर्शन होता है 5 से 10% होता है किसमें, कौन टाइप में। अगर हम लोग यही बात करें जो हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर है उसमें क्या होगा, less than 5%। ठीक है, कम से कम 5% होगा, 5% से कम ही होगा। ठीक है, तो इसमें जो डिस्टॉर्शन होता है इसमें कम होता है, जो हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर होता है इसमें कम होता है, इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं इसका अगला पॉइंट, इम्पीडेंस मैचिंग। तो जो कौन टाइप है लाउड स्पीकर
उसमें इम्पीडेंस की जरूरत नहीं होती है, जो इम्पीडेंस मैचिंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो हॉर्न टाइप है, ठीक है, जो हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर है, इसमें यूज होता है इम्पीडेंस मैचिंग का, इसमें जरूरत होता है, इसमें रिक्वायर्ड होता है इम्पीडेंस मैचिंग का, ठीक है। अगला जो पॉइंट है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, कि किसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए और किसका अच्छा होता है और किसका अच्छा नहीं होता है। तो अगर हम लोग बात करें कौन टाइप में, ठीक है, जो कौन टाइप लाउड स्पीकर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगी पुअर होती है, अच्छी नहीं होती है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में फ्लैट नहीं होती है कुछ हद तक। लेकिन अगर हम लोग यही बात करें जो हॉर्न टाइप है, उसमें क्या होगा कि जो भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा वो बेटर होगा, गुड होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो हॉर्न टाइप में जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा वो बेटर होगा, गुड होगा। लेकिन यहीं पे हम लोग बात करें जो कोन टाइप है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा वो पुअर होगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होता है उस जो कोन टाइप है लाउड स्पीकर, उसमें लेस होता है, पावर को हैंडल करने की जो कैपेसिटी होती है इसमें लेस होती है, इसमें कम होती है जो कोन टाइप लाउड स्पीकर है। लेकिन यही हम लोग बात करें जो हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर है, उसमें जो पावर को हैंडलिंग करने की कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, मोर होती है, ठीक है। अगला साइज, तो जो कोन टाइप लाउड स्पीकर है उसका जो साइज होता है, जो साइज होता है कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हॉर्न टाइप की जो बात करें तो इसका जो साइज होगा वो लार्जर होगा, लंबा होता है, उसका जो आगे का भाग होता है वो ज्यादा निकला होता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो कॉस्ट है, कौन ज्यादा कॉस्टली होता है और कौन ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। तो अगर हम लोग बात करें कौन टाइप लाउड स्पीकर का, तो जो इसका प्राइस होगा वो लो होता है, लेस होता है, ठीक है, लेस कॉस्टली होता है। लेकिन जो हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर होते हैं वो ज्यादा कॉस्टली होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो इम्पीडेंस है, ठीक है, इम्पीडेंस है। तो जो हॉर्न टाइप, जो कोन टाइप लाउड स्पीकर है उसमें जो मूविंग क्वाइल टाइप लाउड स्पीकर होते हैं उसमें जो इम्पीडेंस होता है 2 से 32 ओम होता है, ठीक है, 2 से 32 ओम के बीच में होता है इसका इम्पीडेंस, किसके लिए, मूविंग क्वाइल टाइप के लिए, क्योंकि जो मूविंग क्वाइल टाइप होता है वो किसमें होता है, कोन टाइप में, और ठीक है। और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप जो लाउड स्पीकर होते हैं वो भी कोन के सीरीज में आते हैं, ठीक है, कोन टाइप लाउड स्पीकर के सीरीज में। तो इसका जो इम्पीडेंस होगा वो अप टू होगा कितना, 200 ओम से, ठीक है, 200 ओम से ऊपर ही होगा। तो ये तो हो गया इम्पीडेंस इसमें कोन टाइप में। अब हॉर्न टाइप का जो इम्पीडेंस होगा वो लगभग नियर अबाउट होगा आपका 16 ओम के, ठीक है, 16 ओम के नियर अबाउट होगा किसका, हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर का इम्पीडेंस। अब जो अगला है, लास्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशन यूजेज, कहाँ पे यूज करते हैं कौन टाइप का और कहाँ पे यूज करते हैं हॉर्न टाइप का लाउड स्पीकर। तो अगर हम लोग बात करें रेडियो रिसीवर्स में, तो रेडियो रिसीवर्स में हम लोग कौन टाइप लाउड स्पीकर का यूज करते हैं, टीवी रिसीवर्स में हम लोग यूज करते हैं कौन टाइप, और रिकॉर्ड प्लेयर्स में भी यूज करते हैं कौन टाइप लाउड स्पीकर का, और भी कई सारे जगह इसका यूज होता है, इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, कौन टाइप लाउड स्पीकर का। अगर हम लोग यही बात करें जो हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीए सिस्टम, ठीक है, पीए सिस्टम में आपका यूज होता है हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर, क्योंकि जो भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है वो कई लोगों के बीच में होता है। मान लेते हैं एक लोग बोल रहा है और ज्यादा बहुत ज्यादा भीड़ होता है, तो वहां पे यूज होता है पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें कौन सा यूज होगा, हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर। और स्टेडियम में भी यूज होता है, जैसे स्टेडियम में ज्यादा भीड़ होता है तो ज्यादा लोगों के पास साउंड को पहचाना होता है, इसलिए वहां पे भी यूज होता है हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर, ठीक है। तो और सारे भी जगह इसका यूज होता है हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर का। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्या समझ में आया, कोई डाउट रह गया तो उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आने वाले लेक्चर में आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इसको भी बता दीजिएगा, इन सारे टॉपिक को भी कवर किया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह
का वीडियो लेक्चर आगे भी आता रहेगा, और हमारा कोशिश यही रहता है कि आपको कुछ ऐसा सिंपल तरीके से बताया जाए ताकि आपको नॉलेज भी मिल जाए और आसानी से आप उसको एग्जाम में लिख भी पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।